क्या आपके आधार कार्ड में नाम गलत है और उसको आपको घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से सुधार करना नहीं आता है। आप ये टेंशन में हैं कि हमको आधार सेंटर ही जाना ही पड़ेगा। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको न्यू प्रोसेस से ये बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप अपने आधार कार्ड में अगर नाम गलती हो चुका है बिना कहीं भाग दौड़ किए आप उसको कैसे 50 रुपीज़ में आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको क्या करना है, साथ ही बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इस बेल के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए और ऊपर जो है उसको ऑल कर दीजिए, क्योंकि मैं पर डे नया नया वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं बिना आधार सेंटर जाए। अभी के टाइम में अगर आप आधार सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे पता नहीं कि आधार सेंटर खुला है या बंद है, और गांव घर में तो एक एक महीना तक आधार सेंटर बंद ही रहता है। अगर आप शहर में हैं तो आपको टेंशन रहेगा कि यार आधार सेंटर जाऊँगा, आधार सेंटर बंद है या खुला हुआ है, और गाँव में तो भैया एक महीना डेढ़ महीना तक है जो आधार सेंटर बंद ही रहता है। मैं आपको ये बताऊँगा कि आधार के न्यू पोर्टल से आप किस तरीके से आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में नाम कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे आप सही कर सकते हैं, वो भी 50 ही रुपया में बिना कहीं भाग दौड़ किए। तो अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम गलत है तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब आप सब कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से अपने आधार कार्ड में नाम कैसे सही किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने आधार कार्ड में नाम सही करने के लिए, चेंज करने के लिए, सुधारने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है uidai.gov.in। यहाँ पर देखिए आ चुका है, आप इसको ओके करेंगे। जैसे इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ जो है uidai का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने में यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ओके कर देना है और यहाँ ओके वाले पे ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये टैब ओपन होके आ जाता है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब देखिए कि OTP यहाँ पर आपको सेंड हो चुका है, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम देगा, वो 1 मिनट में यहाँ पर OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ लॉगिन वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर लॉगिन वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने में यहाँ पे न्यू टैब ओपन होकर आ चुका है। यहाँ से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, VC आधार कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, नेम वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको स्पेशली ये बताऊँगा कि आप किस तरीके से आप इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अपने आधार कार्ड में जो नाम गलती है उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन जो है ओपन होके आ जाता है। यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू पेज यहाँ पे ओपन होके आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जो है आप नाम को सुधार सकते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर और यहाँ से एड्रेस। तो मैं आपको नाम सुधार के बताऊँगा किस तरीके से आप जो है नाम में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने आधार कार्ड में नाम सुधार करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट टू टाइम आप जो है नाम सुधार कर सकते हैं। तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 3 स्टेप में आपको नाम जो है सुधारा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो नाम है वो नाम यहाँ पर आप आ चुका है। यहाँ पर डिटेल टू बी अपडेट, मतलब जो भी आप नया नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर देखिए न्यू नेम, आपको जो भी नाम रखना है आपको यहाँ पर नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर जो है आपको नया नाम क्या है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा हिंदी में। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैनुअल अपडेट भी कर सकते हैं और डिजी लॉकर के द्वारा भी इसमें आप अपने नाम में अपडेट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपने जो नाम सुधार रहे हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो आपको इसमें से डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है कि आप जो नाम सुधार रहे हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका सही नाम है, जो नाम आप सुधार करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वोटर आईडी या जो भी आपके पास हो चूज कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको जो वोटर आईडी दे रहे हैं आपको वोटर आईडी इसमें अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कर देना है और जहाँ भी आप रख रखे हैं वहाँ से आपको क्या करना है सेलेक्ट करके आपको इसमें आपको अपडेट कर देना है। इस तरीके से सेलेक्ट करके या आप जहाँ भी रख रखे हैं आप फोल्डर में या फाइल में कहीं भी इस तरीके से आपको क्या करना है अपलोड कर देना है इसमें। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ वोटर आईडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद या जो है आप मैनुअली इसमें अपलोड कर सकते हैं या डिजी लॉकर के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से या आप डिजी लॉकर में जाइए या आप मैनुअली इस तरीके से आपको आना है जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चूज करके अपलोड कर देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा कि आप जो है क्या अपलोड किए हैं, आपका क्या सही नाम डाले हैं नहीं डाले हैं वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो कर रहा है और आपका नाम यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पेमेंट गेटवे पे ले आके आपको ओपन कर देगा, जहाँ से आपको 50 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ जो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लिक करते हैं तो आपको जो है पेमेंट गेटवे पर ले आके यहाँ पर ओपन कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए OTP आ चुका है और यहाँ पर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्रेडिट कार्ड वॉलेट पेटीएम नेट बैंकिंग से आप जो है 50 रुपीज़ का पेमेंट जैसे ही करते हैं तो आपके अकाउंट से 50 रुपये कट हो जाएंगे और ये जो है आपका नाम में करेक्शन हो जाएगा। आपका नाम जो डाले हैं वो नाम आपको सही होके आ जाएगा। सो गाइस, ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है जिससे आप बहुत ही ईजी तरीका से घर बैठे बिना कहीं भाग दौड़ किए बिना आप जो है आधार सेंटर जाए आप घर बैठे 50 रुपीज़ में आप जो है नाम चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि न्यू पोर्टल से आप घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए आप कैसे अपने आधार कार्ड में नाम सही कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।